वंदे मातरम, आप जुड़े हुए नेटवर्क 10 के साथ। कर्नाटक का सियासी घमासान अपने चरम पर है और आज रैलियों का रेला लगा हुआ है। प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हैं। मुडबिद्री पहुंचे पीएम ने, जनसभा को संबोधित किया, जमकर हुंकार भरी और विपक्ष पर जमकर बरसे। कई अहम बातें पीएम ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है देश का। हम लगातार योजनाओं पर काम कर रहे हैं, कर्नाटक के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता हम पर विश्वास करती है। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर गरजते हुए कहा कि कांग्रेस से देश के युवा और पूरा देश नाराज है। कांग्रेस ने कर्नाटक को बर्बाद किया है, आतंकियों को बचाती है कांग्रेस। ये आक्रामक अंदाज में पीएम ने निशाना साधा और कहा कि शांति की दुश्मन है कांग्रेस, साथ ही तुष्टीकरण की सियासत करती है कांग्रेस। ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि किस तरह से केंद्र सरकार अब पूरी दुनिया में भारत का दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बहरहाल, तमाम वादे और दावों का सिलसिला कर्नाटक चुनाव में लगातार जारी है। जनता किस पर मोहर लगाती है ये देखना होगा, लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप नेटवर्क 10। जय हिंद। नेटवर्क 10 को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद।